नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट सुखबीर सिंह हुड्डा वही आपके साथ। वादे के अनुसार मैंने कहा, जैसे हम आपको कहते हैं कि हर हफ्ते आपको एक नई पर्सनैलिटी से नए विख्यात और जिन्होंने बहुत अपने फील्ड में बहुत अलग ही काम किया उनसे मिलवाते हैं। आज हम पंडित दिनेश शास्त्री जी के पास आए हैं जिन्होंने महामृत्युंजय यज्ञ कसौली के अंदर स्टार्ट किया हुआ है। पंडित जी, ये एक हफ्ते का है, आठ दिन का महामृत्युंजय यज्ञ है जो आठ दिन का है, तो इसके बारे में पंडित जी दिनेश शास्त्री से पूछते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है और इसको इसके अंदर क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है और इसका क्या फायदा होता है। पंडित दिनेश शास्त्री जी, आपका एजेंटी न्यूज में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। पंडित जी, थोड़ा सा महामृत्युंजय यज्ञ के बारे में बताइए, ये क्या होता है कि ये जो यज्ञ है, अनुष्ठान जो हो रहा है, इसका क्या फायदा हो रहा है और इसको किस लिए करते हैं? इसके लाभ तो अनेक है, उसकी गणना भी नहीं की जा सकती। कुछ तो बताइए। पर मुख्यतः हाँ। अगर किसी मनुष्य की जन्म कुंडली में कोई ग्रह शुभ फल दे रहा है, वीक है, कोई शारीरिक कष्ट है, कोई विवाह नहीं हो रहा है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है मुख्यतः, तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, या कोई अल्पायु योग है, शरीर कष्ट है, बीमार है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी है, उसको दूर करने के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जल्दी प्रसन्न होने वाले जो है भगवान शंकर ही है, शिव है। शिव अलग है, शंकर अलग है? नहीं, वही है शिव। शिव और शंकर हाँ, पर्यायवाची है। शंकर, शंकर हाँ जी, उनका नाम आशुतोष भी है जी। आशु का आशु का हाँ जी, भोले भाले हैं। अच्छा, भोले भाले, भोलेनाथ। हाँ जी, भोले भाले, तभी तो भोले बोलते हैं, भोलेनाथ। वो अपने भक्त के बारे में ये नहीं सोचते कि ये मुझे क्यों याद कर रहा है, ये पापी है कि पुण्यात्मा है, ये बस याद कर रहा है मुझे। और ईश जो है वो तो भक्त की पूरी परीक्षा ले लेते हैं, फिर जाके प्रसन्न होते हैं। ये भोले भाले हैं, जैसे भक्त ने याद किया, किसी भी भाव से याद किया तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ये अम्बरीश जी ने, जो इस होटल को चलाते हैं, हाँ संधू जी ने जो है ये यज्ञ करवाया है। इसमें 125,000 महामृत्युंजय के जाप होंगे। 125,000 जाप जी, जी 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 जी। और इसको टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग सर हमारा सुबह 6 से और शाम को 5 बजे तक होता है। उसके अंदर पूरे दिन में जाप किया जाता है? नहीं, सुबह देवताओं की पूजा पूर्वांग विधान किया जाता है। सारे देवता जितने हमने यहाँ बुलाए हैं उनकी, उनको पूजा किया जाता है, पूजा जाता है, फिर भगवान शंकर की पूजा की जाती है, षोडशोपचार। कितने देवता बुलाए? जैसे हाँ जी, हाँ जी, अब इसमें सर्व तो भद्र मंडल है जी, इसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास है। सर्व तो भद्र मंडल चावल से बना है, जो चावल से बना है। ये इसको सर्व तो भद्र मंडल, सर्व तो भद्र मंडल के अंदर 33 करोड़ देवता जी 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 जी। मुख्यतः इनके प्रतिनिधि जो है 56 देवता है, उनके अंडर 33 करोड़ आते हैं। अच्छा, ये सूर्य आदि नवग्रह मंडल है, वो उसको क्या बोलते हैं? नवग्रह, उसके अंदर 9 ग्रह आ जाएंगे। 9 ग्रह आ जाएंगे, अधि देवता आ जाएंगे, पत्री देवता आ जाएंगे, दश दिक्पाल आ जाएंगे, पंचलो अनेक प्रकार के देवता आ जाते हैं इसमें। गणेश महाराज जी की है सबसे पहले, उनकी पूजा होती है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये जो नारियल है वो कौन से? ये तो अर्घ्य दिया है, जिनको अर्पण किया है। अर्पण किया? हाँ जी। और ये शंख किस लिए है? जैसे मैं ऐसे शास्त्रों में मान्यता है कि शंख जो है ना जी, शंख की ध्वनि से जो है बुरे जो कीड़े पतंगे भूत प्रेत जिन इत्यादि सब भाग जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसे जैसे हमारे अधिपति हम गांव में जाते हैं, हमारे जो गांव के मंदिर है जी जी, तो उसमें जैसे ही स्वरूप कितने को होता तो शंख बजते हैं बहुत जी जी। कभी आपने घर में भी देखना, अभ्यास करना, कभी शंख जब बजता हो तो आपने कुत्ते को देखना, क्या करेगा? अजीब सी आवाज करेगा, भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। क्या जी जी जी। तो गुरुओं में तो पंडित जी कौन बजा सकता है, क्योंकि इसकी इतनी जान लगती है, टेक्निक लगती है बजाने के लिए? नहीं नहीं, इसमें डालनी तो ये तो आइए दर्शकों, आपको आज शंख दिखाते हैं। शंख में पानी डाल के वो किया जाता है जी? नहीं, पानी डाल के साफ कर रहे हैं। अच्छा, साफ कर रहे हैं, जूठा करना है ना? अच्छा, जूठा करना है, जूठा है। ओके ओके, तो अब देखिए कैसे शंख बजाते। Woo!
जी क्या जान लगती है इसमें, तो सारे के सारे सारी जान निकल आती है आपकी, तो क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है आपको बिल्कुल वो है रोज तो, रोज का अभ्यास है ना जी। तो पूजा पूजा पहले शंख बजा के स्टार्ट करते हैं पहले। जी 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 पहले शंख के साथ। जी 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 बिल्कुल अवश्य। तो जो पूजा करवाने वाला होता है उसको भी बैठना पड़ता है वो नहीं, वो तो पूजा करवाता है जी, हमें अथॉरिटी देता है जिसको मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी दे जी 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 हमारी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अथॉरिटी दे दी कि आपने जो है संकल्प जो होता है आवरण जो होता है कि आपने जो है ये काम करना है, मुझे इसकी विधि का पता नहीं है, ये आपने करना है और धागा बांध दिया जाता है। अब अगर हम इसको ना करें तो हम पाप के अधिकारी, वो तो बरी हो गया, उसने तो हमें आवरण कर दिया यजमान ने। यज्ञ कर यजमान ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे के सारा चार्ज दे दिया। जी 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 तो पंडित जी मंत्रों के अलावा और क्या क्या होता है इसमें? महामृत्युंजय यज्ञ में अनेक प्रकार के मंत्र, सबसे पहले तो गणपति के मंत्र किए जाते हैं। हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि कोई भी अगर काम करो तो सबसे पहले गणपति को याद कर लो। और क्यों कर लो? क्योंकि ये गणपति जो है इनका नाम एक विघ्नेश है, और विघ्नेश का जो शाब्दिक अर्थ है बहुत लोग कम जानते हैं उसको। विघ्ना नाम ईशा इति विघ्नेशः संस्कृत में। नहीं 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 बस वही वही बात वही पकड़ रहा था मैं, क्योंकि लोग इसका गलत अर्थ लेते हैं। विघ्नेश का अर्थ है विघ्नों का स्वामी, ईश ईश विघ्न ईश। विघ्न किसको बोलते हैं? विघ्न आपत्ति, विघ्न आपत्तियों को, आपत्तियों का स्वामी, स्वामी। हाँ जी, तो विघ्न के जब स्वामी है, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ विघ्नेश का, जब सारे विघ्नों के स्वामी है तो इसका मतलब सारे विघ्न उनके पास है। सारे विघ्न उनके पास है, ठीक है ना जी। अब लोग बोलते हैं कि विघ्नों को हरने, ये हर कार्य में इनकी ड्यूटी लगाई है कि तू हर कार्य में विघ्न उपस्थित कर, ये करते ही है हर कार्य में विघ्न उपस्थित है। विपत्ति लेके आते हैं, लेके आते हैं, इनका काम है। हाँ जी, लेकिन साथ में वरदान भी दिया है कि जो तुझे याद करेगा उसके काम में विघ्न उपस्थित नहीं होगा। अच्छा, मतलब मैं अब ये मान के चलूं दर्शकों के लिए जी, भगवान श्री गणेश विपत्ति भी लेके आते हैं। हाँ, और साथ में वरदान ये है अगर उनकी पूजा की जाती है तो वो विपत्ति को हरण भी कर लेते हैं। हाँ जी, इनका काम ही विघ्न विघ्न विघ्नों को पैदा करना। जी जी जी, नहीं, इसमें एक शिव महापुराण में एक वर्णन मिलता है कि जो भगवान शंकर है, शिव है, आशुतोष है, भोले वाले है, या कुछ भी कह लो, ये गणपति के पिता है। पंडित जी एक बार दोबारा बताओ, गणपति के पिता कौन हुए? भगवान शिव। भगवान शिव, भगवान शिव गणेश के पिता है। गणेश के पिता तो वो शिव पार्वती। अच्छा, हाँ वो, हाँ हाँ। तो ये ऐसे ईश है गणपति जी कि इन्होंने अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा किसी, भगवान श्री गणेश। हाँ, एक त्रिपुरासुर नाम के तीन दैत्य हुए थे, उन्होंने सारे आज की भाषा में कहूँ तो आजकल के आतंकवादी थे वो त्रिपुरासुर। हाँ, उसके क्या नाम, एक का नाम था कमलाक्ष, एक का नाम था पद्माक्ष, एक का नाम था विद्युन्माली। ओके, है ना जी। तारकासुर के पुत्र थे, तो उन्होंने अपनी तपस्या से, आतंक से, आतंक भी तपस्या करके करते थे, शक्ति प्राप्त करते थे पहले, उन्होंने सबको इतना आतंकित कर दिया था कि सारे देवता सारी सृष्टि डर गई थी। तो भगवान शंकर के पास गई कि महाराज इनके हाथ में ऐसी परमाणु शक्ति लग गई, वरदान स्वरूप, वरदान ले लिया। आज की भाषा में कहे तो परमाणु शक्ति। अब परमाणु आजकल भी हो रहे हैं, परमाणु जैसे परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। अब बनाना तो आसान है लेकिन इसका भंडारण बड़ा मुश्किल है, कंट्रोल रखना, गलत हाथ में चले जाए। अब उसी समय गलत हाथ में चले गए थे तीनों के पास, हाँ, सारी सृष्टि ऋषि मुनि चले गए भगवान शंकर के पास के महाराज ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप इनका वध करो। अब भगवान शंकर आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न होते हैं, भोले हैं दूसरों का, हाँ जी। तो उन्होंने जो है उनको मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा विचित्र वरदान मांगा था, आजकल के साइंटिस्ट थे वो, ब्रह्मा जी से उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था कि उनको कोई मार ही ना सके। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें तीन नगर दे दो, एक सोने का, एक चांदी का और एक तांबे का, और वो तीनों हाँ, और तीनों नगर जो है अंतरिक्ष में घूमते रहे, कभी एक सीध में ना आए। और अगर सीध में आए
तो 12 वर्ष बाद अभिजीत मुहूर्त के में आधे घंटे के लिए आए। बस वो आधा घंटा जो था उस समय में मारा जा सकता था उनको, क्योंकि अगर एक को मारेंगे दूसरा मार देगा, दूसरा मार देगा। तो भगवान शंकर ने जो है जब वो समय आया तो जैसे ही बाण छोड़ा वो बाण असफल हो गया, लगा ही नहीं मौके पे, लगा ही नहीं तीर, निशाना चूक गया। भगवान शंकर को भी हैरानी हो गई भी क्या हो गया ये। तो अब देवर्षि नारद जी से पूछा गया, क्योंकि सदगुरु है देवर्षि नारद जी, नारद जी हाँ भाई क्या क्या हुआ ये मेरा बाण तो आज की भाषा में कहूँ तो मिसाइल असफल हो गई, फेल हो गई। तो फिर उन्होंने कहा भाई महाराज आपके बेटे ने ही जो है खुद आपने वरदान दिया है कि जो तेरी पूजा नहीं करेगा उसको तो बिगड़ डालियो, अब आपके बेटे ने आपके काम में बिगड़ डाल दिया, आपने उसकी पूजा ही नहीं की, पूजा ही नहीं करी। तो दोबारा जो है 12 वर्ष का आपकी प्रतीक्षा इंतजार किया, फिर इंतजार किया, फिर जो है गणपति भगवान को मनाया गया, फिर त्रिपुरासुर का वध हुआ, फिर वो तीनों भाइयों को मारा गया। कहने का मतलब गणेश भगवान विघ्नेश है, सारे विघ्नों के स्वामी है, इनको वरदान दिया है कि बेटा भगवान शिव ने ही दिया है, भगवान शिव ने दिया है। हाँ जी, कि जिस जो तेने हर प्रत्येक व्यक्ति के काम में विघ्न डालना है और जो तेरे को याद करे उसके उसका कार्य उसके कार्य में विघ्न नहीं डालना है, इसीलिए गणपति महाराज को सबसे पहले याद किया जाता है। वो शादी है, ब्याह है, कोई भी कोई भी कोई कोई हर जगह हर जगह इसको याद किया जाता है। हाँ जी हाँ जी, जैसे पंडित जी बहुत सारे ऑफिस है, घर है, वहाँ गणेश जी की मूर्तियां रखी होती, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए लोगों को? पूजा करनी चाहिए, पूजा का समय ना हो तो कैसे याद करें? धूप तो दे उनको, अगर मान लो धूप का भी समय ना हो, आजकल विदेशों में जी 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 अगर आप लंदन अमेरिका में चले जाएं, मिनट टू मिनट चलता है। इसमें ऐसा है ना जी कि शास्त्र कहता है कि एतावान सांख्य योगाभ्याम, कोट कर रहा हूँ भागवत को, श्रीमद् भागवत को द्वितीय स्कंद में, कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। आप छोड़ दीजिए भगवान को, हमने जन्म लिया है उस जन्म का क्या लाभ है, सारा जीवन जो हम मेहनत करते हैं, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उस जीवन का लाभ क्या है, अंतिम गति क्या है उस जीवन की? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने जीवन में जो हम शुभ कर्म करते हैं, मान लीजिए शुभ कर्म जप तप ध्यान भजन कीर्तन पूजा, ये पूजा भी आ गई उसमें है ना जी, उसका एक ही लाभ क्या, अंते नारायण स्मृति, कि मरते मरते हमें भगवान याद आ जाए। अब विषय लंबा हो जाएगा, नहीं खोल कोई बात नहीं, आप बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, देश विदेश के लोग ऐसे जो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, उनके लिए तो बहुत नॉलेज की बात है जी। तो हमारे जीवन का एक ही फल कि हमें मरते मरते भगवान याद आ जाए। जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, पूछिए। देश विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, भारत है, तो जैसे वो गणेश जी की कोई मूर्ति लेके जाता है, कोई पत्थर का लेके जाता है, कोई आर्टिफिशियल उसका लेके जाता है, तो गणेश जी किस चीज के मतलब पूजा के लिए, अपने घर में रखने के लिए किस चीज के बोल रहे? देखो रहस्य की बात तो ये है कि आप के मूर्ति मूर्ति है क्या, मूर्ति हमारे मन को टिकाने के लिए है, अगर मूर्ति नहीं है तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, मूर्ति नहीं है तो मन से भी कर सकते हैं। हाँ, पर मूर्ति जो होती है आधार है टिकाने के लिए, आपको आपको माइंड बचता है कि मैं करता रहे, जी जी दिखाई देता जी है जी, भगवान जी हमारे साथ हैं। तो मेरा पूछने का सवाल ये था कि जो विदेशों में लोग रहते हैं, हाँ, तो वो छोटा लेके जाए, बड़ा लेके जाए, छोटा गणपति की तरह उतना अच्छा पीतल का अंगुष्ठ मात्र, इतना बताया है कि इतना बड़ा हो, इतना अंगुष्ठ मात्र, कौन से मेटल का मतलब अष्ट धातु का ले जाए, वो विसर्जन करते हैं पानी में जल्दी घुल जाता है कुछ, नहीं अष्ट धातु का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, चांदी का भी बनाते हैं, जैसी जैसी मिट्टी का हो, जैसे मनुष्य की सामर्थ्य हो। और शास्त्र कहता है कि भावानाम विद्यते ईश्वर न काष्ठे न मृण्मय, सबसे पहले तो भावना है। बात चली थी अंते नारायण स्मृति, कि हमारे जीवन के सारे जीवन का है में जप तप ध्यान भजन कीर्तन पूजन जो भी अच्छे काम करते हैं, दान भी करते हैं, उसका एक फल कि हमें मरते मरते भगवान की याद आ जाए। और क्यों आ जाए? क्योंकि शास्त्रों का निर्णय बताता है कि अंत मतिस्त था गति, हमारी मरते मरते जहां हमारा ध्यान होगा वो अगला जन्म होगा,
बड़ी बड़ी आगे की बात है ये, पर इसको अगर खोला जाए कि मरते मरते जहां हमारा ध्यान होगा वही हमारा अगला जन्म होगा, है ना जी। तो अक्सर अक्सर देखा गया है ये लोग क्या करते हैं, मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, कि आजकल लोग पढ़े लिखे बहुत है, बिल्कुल सही बात है, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुराने लोग पढ़े लिखे थे, वो आपका मानना है। हाँ, क्यों है? संस्कारों में कह रही हूँ। हाँ, जैसे उनको मरना आता था, क्या करते थे? आज से आप 30 साल पहले चले जाओ, घर के आगे शिवलिंग स्थापित करते थे, तुलसी का वृक्ष लगाते थे, घर के आगे शिवलिंग स्थापित कर लेते थे। हाँ जी, तुलसी का वृक्ष लगाते थे आंगन में। हाँ, हाँ। अब देखिए शिक्षा और अशिक्षा में क्या अंतर है, यही समझ जाएंगे आप। तो क्यों लगाते थे वो? अनपढ़ होते थे कि कहीं गलती से मरते मरते भगवान में ध्यान चला जाए, किसी भी तरीके से क्या कहते हैं शिवलिंग देख के भगवान के नाम लिया जाए, याद किया जाए, प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाए। और आज क्या करते हैं पढ़े लिखे, क्या अंतर है? आजकल तो जी ध्यान ही नहीं देते। नहीं, मैं बताऊं। हाँ। आजकल क्या करते, कुत्ते बांधते हैं वहां, ये शिक्षा का फल कि वहाँ कुत्ते बांधते हैं। और ध्यान रखना, मरते मरते ध्यान अगर वहीं चला गया तो वही भौंकने के लिए आना पड़ेगा, अंत मत तथा गति जो आएगा दिमाग में आएगा वही आएगा। हाँ जी पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। जैसे बहुत सारे दर्शक है हिंदुस्तान में, बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, दूसरे देशों में, जो तीन जगह माइनॉरिटी में भी है, जी जी, जैसे आप मंदिर बनाते हैं, भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं, और कौन कौन सी मूर्तियां रख सकते हैं आपस में, जैसे कुछ ऐसा ना हो, क्लेश ना हो, पड़ जाए? एक पंचायत होती है, पंचायत जैसे हमारे पंचायत होती है, वैसे जिन देवताओं की पंचायत, शिव की पंचायत है, सब पांच ही। हाँ। लेकिन जो प्रधान होगा, मैं बता रहा हूँ, पांच है, सब पांच, सब में पांच ही होंगे, गणपति, सूर्य, विष्णु, देवी और शिव। और ब्रह्मा जी कहाँ गए? ब्रह्मा जी का तो मंदिर ही नहीं है कहीं, एक है पुष्कर राज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ये सब जो है मन से होते हैं, सब मन से होते हैं, ये मुख्यतः पांच है। तो मंदिर के अंदर क्या कौन कौन से भगवान रखना चाहिए? जैसे आजकल शिरडी के साईं भगवान को रखने लगे हैं, वैष्णो देवी को रखने लगे, उसमें तो शंकर देवी को रखने लगे, गणेश को रखने लगे अलग, उसमें तो शंकराचार्य जी ने भी उस पर कमेंट किया था, उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि किसी की भावना को तो आपको पढ़ जी, देखो भावना की बात नहीं है, ये तो एक नॉलेज। ऐसा होता है ना कि साईं बाबा को मानने वाले भी भक्त है, अब गलत है चाहे सही है, लेकिन उनकी भावना को ठेस ना पहुंचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ना हो कि मेरे कुछ कहने से किसी की भावना को ठेस पहुंचे, तो मैं ऐसा कदापि नहीं कहूंगा, जो इनकी इच्छा हो। और मुख्यतः अभी बात चली थी, विषय था कि मरते मरते भगवान याद आ जाए, मुख्य मुख्य विषय वही है। आपने वो बताया, अच्छा पंडित जी, वो हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, हुआ नहीं। आपने कहा था कि आजकल लोगों का बड़ा व्यस्त जीवन है, वो पूजा भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो मूर्ति भी नहीं रख सकते घर में, है ना जी। तो क्या करें जिन लोगों का व्यस्त जीवन है, वो क्या करें? क्या करें? और यही प्रश्न जो है शिव महापुराण में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था, महाराज आपने कहा ये पूजा करें, इसका ये लाभ है, इसका ये लाभ है, इसका ये लाभ है, लेकिन श्रवण करें, कीर्तन, जो इससे भी ये भी ना कर सके, इतना व्यस्त लोग हो, क्या करें? जिसके पास समय ही नहीं है, जिसके पास 10 मिनट का समय नहीं है जीवन में, वो क्या करे? उसके लिए भी तो साधन बनाया है भगवान ने, मुख्यतः वो है। तो बात चली थी, तो जैसे अभी बात चली कि अंत मति तथा गति, मरते मरते हमारी भगवान में मति हो जाए, तो समझ लेना अंतिम जन्म है। अब चाहे वो कुत्ते में हो, चाहे वो भगवान में हो, हाँ, तो पर ऐसा होता नहीं प्राय। हम सोचते हैं अभी करेंगे, जब बूढ़े होंगे तब करेंगे, लेकिन जब मरने की बारी आती है तो क्या होता है कि वो याद आता ही नहीं। अब देखा होगा अपने घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, उसके प्राण निकल रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, तो पत्नी कह रही है महाराज राम राम बोलो, राम राम, अब तो निकल ही रहे हैं, हाँ, बहू भी बोल रही है महाराज राम राम बोलो, लेकिन जो मरने वाला होता है बोलता है कि हट परे बोला ही नहीं जाता, और बात कर रहा है, और बात कर रहा है, लेकिन राम राम नहीं जप रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहा है। तुलसीदास जी ने, कोट कर रहा हूँ रामचरितमानस को, कहा है कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराही अंत राम मुख आवत ने। अंत समय में अंतिम पता नहीं कैसी होती होगी ये घड़ी, कि ये आता ही नहीं, क्योंकि इसका अभ्यास ही नहीं जब किया, इसका पूरा जिंदगी में कभी अभ्यास ही नहीं किया, इसलिए समय नहीं निकाल पाए। हाँ, तो अब मैं एक गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है,
छोटी सी युक्ति युक्ति बताना चाहूंगा। तो चलो धन्यवाद। तो ऐसा है कि हमें कैसे भगवान याद आए मरते समय, छोटी सी युक्ति है 2 मिनट की। दो मिनट का समय तो लोग निकाल ही सकते हैं, है ना जी। तो उदाहरण लें कि जब हम सो जाते हैं, प्रत्येक मनुष्य रात को सोता है, निद्रा में जाता है, तो कभी जरा कल्पना करना, जो व्यक्ति निद्रा में गया हुआ है उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे डेड बॉडी की होती है, मुर्दे की होती है, पूरा मरा हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम आप रोज मरते हैं, हम सो जाते हैं, रोज मरते हैं हम, और जब जुबा जागते हैं तो हमारा जन्म हो जाता है, डेली बर्थ है, डेली जन्म है। हाँ, तत्वों को पकड़िए जरा कि रोज मरने से पहले अर्थात सोने से पहले 1 मिनट राम राम बोलो, शिव शिव बोलो, कृष्ण जो आपको अच्छा लगता है, जिस भगवान को आप मानते हैं, जो अच्छा लगता है आपको, जो आपके मन को भाता है, सोने से पहले, मरने से पहले, मरना ही हुआ, रोज मरने से पहले, सोने से पहले 1 मिनट उसको याद कर लो। कुछ नहीं करना सारा जीवन, कुछ नहीं करना कोई। और सुबह जब आपका जन्म होता है, जब जागते हो, तो उसको 1 मिनट और याद कर लो। एक मिनट 2 हो गए, 24 घंटे में 2 मिनट। अगर ऐसा जीवन में निरंतर करते हो तो जीवन में जब सच में मरोगे तो नाम याद आएगा। ये पढ़ जी, वो बिल्कुल आपकी आदत पड़ जाएगी और बिल्कुल आपके मुंह पे जुबान पर चढ़ जाएगा, तब तो मेरे बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। पढ़ जी, एक दो सवाल है। बोलिए। जैसे कुछ लोग बहुत सारे विदेश में रहते हैं और उनका वहां पे डेथ हो जाती है, फिर वहीं पे क्रीमेशन कर देते हैं, तो वो इंडिया के अंदर अपने पिताजी की या दादाजी की वो अस्थियां नहीं आ पाते, क्योंकि इतनी व्यस्त लाइफ है या इतने मॉडर्न हो गए, वो इन चीजों को समझते नहीं है। ठीक है, उनके मदर फादर और परिवार समझता है, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो उसका कोई सोल्यूशन है? कोई अमेरिका में अगर अपने बुजुर्ग का इंडिया में विसर्जन नहीं कर पाता तो वहाँ कोई सोल्यूशन है? नहीं, देखो आजकल तो सब साधन है, वहाँ से भेज भी देते हैं, पार्सल से मान लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। उसके ऊपर कोई दोष ऐसा नहीं, वो वैसे ही अपने पिता के कर्म वहीं कर ले, करवा दे, पूजा पाठ करवा दे पिता की जो है सदगति के लिए, क्योंकि पुत्र का धर्म ही पिता की सदगति करना है। आखिरी टाइम में बता, हाँ, जैसी जैसी स्थिति उपलब्ध हो वैसे करवा दे वहाँ। अच्छा पंडित जी, ये जो क्या कहते हैं, जो विसर्जन करते हैं गंगा के अंदर, ऐसा क्यों किया जाता है, कि इसका क्या फायदा होता है इंसान को? ऐसा ना जी, कि उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके अस्थि को गंगा में डालने से उसे सदगति मिलती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। सिर्फ गंगा में ही? हाँ, गंगा में ही, गंगा इतनी पवित्र, हाँ, इतनी पवित्र है। अच्छा पंडित जी, कुछ लोग नहाने जाते हैं, हरिद्वार नहाने जाते हैं, तो इसका क्या फायदा होता है, इसके क्या नहाने के क्या फायदे होते हैं? ऐसा है जी, कि वहाँ स्नान करने से, शास्त्रों का वर्णन है, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र से अमृत निकला था, सुना होगा आपने, श्रीमद भागवत के अष्टम स्कंद कोट कर रहा हूँ, तो उसमें देवता और दैत्यों दोनों ने मेहनत की थी और एक अमृत निकला था, तो उस अमृत को इंद्र का पुत्र जयंत ले गया था, उड़ा के कौवे का रूप बना के, इंद्र का पुत्र जिसका नाम जयंत है, उसने कौवे का रूप बनाया, अब उसको उड़ा के ले गया, भगवान ने आदेश दिया ले जाओ इसको, क्योंकि लड़ रहे थे आपस में, वो दोनों ने मेहनत की, दैत्य और देवता। आज भी ऐसा ही होता है कि मेहनत तो देवता दैत्यों ने की है, और कौवे जो है राजनीति में होते हैं कौवे, मैं ज्यादा विस्तार से, कि समाज मेहनत करता है और कौवे फल ले जाते हैं, वैसी स्थिति उस समय भी आई। तो वो कौवा जब जयंत, जिसका नाम है इंद्र का पुत्र, वो दांत में उठा के ले गया उसको चोंच से, और देवता दैत्य पीछे से भागने लगे, क्योंकि कर्म का फल है अमृत की प्राप्ति के लिए। तो जब वो थकने लगा तो उसने हरिद्वार में आराम किया। अब जैसे उस कलश को रखा, सीधी सी बात है, कलश जब रखा तो छलकेगा, वो छलकेगा, बिल्कुल छलकेगा, 2-4 बूंदे गिर भी जाएगी वहां पे, उतने वो देवता फिर आ गए, दैत्य फिर भागा वहां से, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, 4 जगह उसने विश्राम किया और चारों जगह वो अमृत की 2-4 बूंदे गिरी है। तो प्रयागराज जिसको इलाहाबाद कहते हैं जी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, नासिक और उज्जैन, हाँ जी, तो चारों जगह 2-4 बूंदे गिरी है।
गंगा तो नहीं है बाकी जगह, जैसे नासिक में गंगा तो नहीं है, उज्जैन में गंगा नहीं है। नहीं, वो विशेष परिस्थितियों में जब योग बनता है ना ग्रहों का, तो वहाँ कुंभ लगता है। कुंभ लगता है, परंतु सोचने की बात यह है कि जहाँ अमृत गिरा हो, दो चार बूंदे हरिद्वार में गिरी, तो उसका प्रभाव वहाँ सदा सदा के लिए होता है। पंडित जी, क्या आपने नॉलेज की बात बताई हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे इससे और बहुत कुछ सीखने को मिला। और पंडित जी, आज की जो भागती भाग दौड़ की जिंदगी है, इसके अंदर कुछ आज कुछ आप बताइए कि किस तरह अपने भगवानों को याद किया जा सकता है, या किस तरह समय निकाल के, या नहीं वो थोड़ा और बताइए। अभी स्पष्ट किया, अभी अगर आपका जीवन इतना बिजी है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं मिल रहा हो, तो आप सोते तो है, जागते तो है, वही कर लो। भगवान को, भगवान को याद करने के लिए आपको बड़े साधन की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। अच्छा पंडित जी, मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग मंदिरों में भी जाते हैं, उसके बाद मजारों पर भी चादर चढ़ाते हैं, ये क्या है? लोग भटके हुए हैं, उनको अपने इष्ट का पता नहीं चल रहा है, भटके हुए हैं। आपको 33 करोड़ देवी देवता है, वही आपका भला नहीं कर पा रहे, तो आप भटके हुए हैं, भटके हुए हैं, उनका मन एक जगह नहीं टिक रहा है। अच्छा, वो मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस वही बताया कि आप 2 मिनट ये भगवान का नाम लो सोने से पहले और जागने से बाद, उनका मन एक जगह टिक जाएगा। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि पंडित जी, वो भटके हुए लोग हैं जो अपने देवी देवताओं को छोड़कर दूसरी जगह ढूंढते हैं, वही आना पड़ता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, सभी नदियों की गति समुद्र है। अब यहाँ से नदी जा रही, छोटी सी नदी, छोटे से नाले के रूप में, चाहे नदी के रूप में, चाहे बड़े नाले के रूप में, अंत में जाकर उसको समुद्र में ही मिलना है। ये अकाट्य सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। वैसे ही सभी जीवों की गति सब भगवान है। अब वो मार्ग अलग अलग है, कई बार वो भूल के गलत मार्ग से चला जाता है, लेकिन बाद में जब ठोकर लगती है तो हट फिर के वही आना पड़ता है, उसी मार्ग। पंडित जी, आपने क्या कहते हैं, इतना समय निकाला और आपका भोजन का वक्त था, सारे एक बार आपको भोजन का समय में से आपने निकाल के दिया पंडित जी, इसके लिए हम तो दिल से आपके शुक्रगुजार। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। हमारा तो धर्म है, कर्म है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा धर्म है, इसमें धन्यवाद की आवश्यकता ही नहीं है। चलो, आपका बड़प्पन है, धन्यवाद किया आपने, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का समय ऐसे आ गया, देवी देवताओं को, भगवानों को, अपने पूर्वजों को भूलते हुए कुत्ते बिल्ली और खरगोश पालने लगे। हाँ जी, हमारा कार्य है शास्त्रों की व्याख्या करना। अब मानना ना मानना तो अब लोगों का काम है, भक्तों का काम है, माने ना माने उन, अब वो भी स्वतंत्र है, पर हमें सही बात कहना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। पंडित जी, इसमें श्री कृष्ण भगवान नहीं दिखाई दे रहे? श्री कृष्ण की पूजा की गई जी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा होता है ना जी के मुख्यतः तो भगवान शंकर है, जिनको हम जो बोले वाले हैं, जिनको जल्दी। हाँ नहीं, जैसे ना मैं बताया, पंचायत है, जहाँ भगवती का देवी का यज्ञ होगा वहाँ मुख्यतः देवी होगी, बाकी देव गौण हो जाएंगे, देवी उनकी वो रहेगी, ऊपर रहेगी। जहाँ नारायण का कृष्ण का होगा वहाँ नारायण ऊपर रहेंगे, बाकी देवता जो है गौण हो। हाँ, जिसका यज्ञ होगा, पूजा तो सबकी होगी लेकिन उसकी मुख्यता होगी, जैसे चीफ गेस्ट होता है। समझे, समझे। हाँ जी, अरे वाह पंडित जी, आपने इतना नॉलेज दिया, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। आप भोजन लीजिए पंडित जी। धन्यवाद, धन्यवाद।